हेलो फ्रेंड्स, पिंडवाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके जियो सिम की इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके एरिया में भी जियो का इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चलता तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जियो के सिम के ऊपर थोड़ा फास्ट इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो वीडियो देखते रहना। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने एक और हमारा नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है पिंडवाला टीवी। उसका लिंक किसी वीडियो के नीचे सबसे पहले आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वो एक गेमिंग चैनल है। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर भी पहली बार आए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो साथ में बेल आइकॉन है फ्रेंड्स, उसको दबा के नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लेना। मेन हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए कहाँ पे होता है? मेन यूट्यूब वीडियोस को देखते टाइम, डाउनलोडिंग करते टाइम, या फिर जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनको ओपन करते टाइम, सर्फ करते टाइम, जो हमारी सोशल ऐप्स होती हैं व्हाट्सएप वगैरह, वहाँ पे थोड़ा स्लो चल जाता है। वहाँ पे मैसेजेस वगैरह आने होते हैं, ज़्यादा स्लो वहाँ पे भी नहीं चलता, लेकिन वहाँ पे हम काम चला लेते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब देखते टाइम, डाउनलोडिंग करते टाइम हमें वेट करना पड़े या फिर रुक रुक के चले, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हमें। तो ये ट्रिक उनके लिए जिनके पास जियो के सिम के ऊपर 200-300 KB/s स्पीड आता है, जिनके पास पहले से 1 MBPS से ऊपर स्पीड आता है। ये ट्रिक उनके लिए नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। जिनके एरिया में स्लो इंटरनेट चलता है, ये ट्रिक उनके लिए। तो आपने करना क्या है, रिचार्ज आपके पास होना चाहिए। अगर बस सिर्फ ये ट्रिक इतना है कि अगर आपके पास थोड़ा स्लो इंटरनेट चलता है, थोड़ा फास्ट करने के लिए है, तो आपने करना क्या, सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद सिम की सेटिंग के अंदर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जियो का सिम मैंने सेलेक्ट कर रखा है इंटरनेट के अंदर, इसको यहाँ पे एडिट करना है। असेसमेंट नेम्स के अंदर जाना है, यहाँ पे आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेलेक्ट होगी APN के अंदर उसको एडिट कर लेना है। सबसे पहले आपने APN के अंदर जाना है, यहाँ पे जियो नेट कर देना है, बड़े छोटे में चलेगा, बड़ा लिखो छोटा लिखो, जे बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जियो नेट लिख दो, ओके करना है। उसके बाद जियो नेट ओके करने के बाद नीचे आपने जाना है APN प्रोटोकॉल, ये आपने IPv4 सेलेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना, मेन सेटिंग यही है IPv4। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल, ये भी IPv4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेटिंग सेव कर देनी, मैंने पहले से कर रखी है। उसके बाद आपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है, यहाँ पे एक ऐप आपने फाइंड करनी है, पफिन वेब ब्राउज़र, इसको इंस्टॉल कर लेना आपके फ़ोन के अंदर। इसको इंस्टॉल करने के बाद अभी मैं आपको पहले YouTube ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने इस यहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर रखा है इसके अंदर, तो थोड़ा आपको अजीब लग सकता है। इस ब्राउज़र को आप डेस्कटॉप मोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल के अंदर भी। यहाँ पे ये मेरा नया चैनल है पिंडवाला टीवी, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, गेमिंग का चैनल है, दूसरे ट्रिक भी आएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे अभी मैं कोई वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ हाई क्वालिटी के अंदर। टीवी चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नीड फॉर स्पीड रन का मैं तीसरा पार्ट आज आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं HD के अंदर यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अच्छे से स्पीड चल रहा है, फास्ट चल रहा है जियो का। पहले यहाँ पे रुक रुक के चलता था, 360 उस पर भी थोड़ा रुक के चलता था। अगर आपको नहीं समझ, आप देख सकते हैं HD के अंदर रोटेट करके आप YouTube ऐप के जैसे ही वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको साइज दिखा दूँ कि किस उसके अंदर मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे इसको रोक देता हूँ, सेटिंग के अंदर साइज देख लेना कि किस क्वालिटी के अंदर यहाँ पे वीडियो चल रहा था। अभी मैं आपको कोई फाइल डाउनलोड करके भी दिखा दूँ, तो यहाँ पे इस फाइल को मैं डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप सेम किसी और ब्राउज़र का इस्तेमाल कर लेना, यहाँ पे डाउनलोड हो रही है फाइल, और सेम इसके अंदर कोई फाइल डाउनलोड लगा के देखना। UC के अंदर, दूसरे मोबाइल के अंदर जियो के सिम के ऊपर ये फाइल डाउनलोड के ऊपर लगा के देखना और इसके अंदर लगा के देखना, आपको पता चल जाएगा स्पीड का फ़र्क, पता चल जाएगा ये सेटिंग करने के बाद और इस ब्राउज़र का इस्तेमाल करने के बाद आपका इंटरनेट कितना फास्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ब्राउज़र, और ये सेटिंग करनी है। इस सेटिंग के ऊपर, ये सेटिंग करने के बाद आपके जियो के सिम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपके एरिया में थोड़ा सा स्लो इंटरनेट चलता है तो आप इस
सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल है ये ब्राउज़र जियो के सिम के ऊपर। तो फ्रेंड्स यही था हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना।